ओके, टुडे वी गोना स्टार्ट विद डेटा माइनिंग। दिस इज वन ऑफ द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द ईआरपी सिस्टम। डेटा माइनिंग के बारे में सुना है आप लोगों ने? एनी डेफिनेशन और एनीथिंग यू नो अबाउट डेटा माइनिंग? दोज हु हैव वर्क इन पाइथन उन लोगों को पता होगा। यस, एनीवन? क्विकली I suppose no one knows. Okay, Ajit said, the practice of examining large pre-existing databases in order to generate new information. Okay, so corrected. करना क्या है आप लोगों को? अब आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जहाँ तक पढ़ा है दैट वी हैव क्रिएटेड द डेटा वेयर हाउसेज। डेटा वेयर हाउसेज आर जनरली सपोज टू क्रिएट सच टू स्टोर सच ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा which we actually cannot store or process using the traditional database systems. Yes, Lakshay, to discover new patterns. तो अब मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास एक फॉर्मेट में मेरा सारा डेटा स्टोर्ड है, लेकिन स्टिल उस डेटा को प्रोसेस करके हम लोग बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं, टू रिकोगनाइज दोज टाइप ऑफ पैटर्न्स, टू recognize or examine that pre-existing database so that I can generate certain new information in that. जब भी आप database की बात करते हो तो आपके पास कौन सी information होती है? You have certain columns, fields हैं, field और record के respective अगर आप किसी cell पे meet करते हो, we say that this is our required information. लेकिन अगर आप उन चीज़ों को कुछ ऐसे मॉडिफाई कर दो, कुछ ऐसे चेंज कर दो कि हमें कुछ नए पैटर्न्स मिल जाएं, दैट इज़ नोन एज डेटा माइनिंग। तो उसका एक एग्जांपल कि हम लोगों ने देखा है कि आजकल इन दिस COVID-19 सिनारियो हमारे पास रोज जो है काउंट आता है कि वर्ल्ड वाइड या फिर आपको इंडिया में देखना है, फर्दर अगर आप स्टेट वाइज देखना चाहते हो तो जहाँ तक भी हमारे पास ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको रोज़ के रोज़ क्या है वो चीज़ दिखाई जाती है कि आज कितने इंक्रीज केसेस हमारे पास न्यू केसेस हैं, आज कितने रिकवर्ड केसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ डिमाइसेस हाउ मैनी आर देयर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो करोड़ ऑफ डेटा जो है वो प्रोसेस होता है, उनमें से कितने न्यू केसेस आए उनको प्रोसेस करना बेस्ड ऑन द टाइम और डेट ऑफ द एंट्री, और उसके बाद वहां से एक एनालिसिस निकालना कि आज के नए केसेस इतने हैं और इसे पुराने वाले केसेस के साथ कंपेयर करना, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक। अगर ये आपको सिंपली अपने डेटाबेस के थ्रू करनी हो तो इस प्रोसेसिंग को बहुत टाइम लग जाएगा बिकॉज वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट हियर। तो हम लोग डेटा माइनिंग के कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं जहाँ पर हम अपने डेटा को कुछ डेटा फ्रेम्स में कुछ ना कुछ 2D या 3D फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में लेकर आते हैं, चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आर टाइप और फिर उन पे कुछ फॉर्मूलाज लगाकर हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन वहां से गैदर करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स खोले हैं। दिस इज नन ऑफ द कंसर्न ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन के ये कैसे हुआ, दिस इज नॉट द कंसर्न ऑफ आर सब्जेक्ट। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअली डेटा माइनिंग जो है वो है क्या चीज़। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मेरे पास एक ओलंपिक्स का डेटा था जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की फॉर्म में है, उसे मैंने कैसे अपने सिस्टम के अंदर लोड किया और लोड करने के बाद जो मेरे पास डेटा आया उस पर मैंने कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन अप्लाई किए और मेरे पास कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो थी वो आ गई। एज इन
अगर हमें टोटल डेटा देखना है तो वी नो दैट देयर आर 146 रोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 16 कॉलम्स, और ये वो डेटा है जो कि मैंने यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से चेंज करके डिस्प्ले किया है। अगर मैं यहाँ पर ओरिजिनल फाइल दिखाऊँ आपको तो दैट विल बी इन सम अनदर फॉर्म और कुछ अलग चीज़ें होंगी। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, एक आईडी का जो कॉलम है ये मैंने यहाँ पे जनरेट किया है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए था कि इन अलग अलग डेटा पर कुछ ऐसे रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन लगाकर हम लोग यहाँ पर ये सारे जो आईडीज हैं वो जनरेट करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट काम मेरा हुआ कि इन सारे आईडीज को किसी ना किसी ऐसे तरीके से सॉर्ट करना या ग्रुप करना ताकि मेरे पास आ सके कि इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर मेरे पास कितने नंबर ऑफ मेडल्स आते हैं। जैसे ये ओलंपिक्स का डेटा है तो यहाँ पे मेनली टास्क ये था दैट यू हैव टू जनरेट अ कॉलम ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, एंड देन यू हैव टू चेक दैट दैट पर्टिकुलर कंट्री हैज गेन हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स एंड विच वन इज द टॉपेस्ट एट द टॉप मोस्ट एंड विच वन इज एट द बॉटम लेवल। सो टू कैलकुलेट दैट वी हैव परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन टू दिस डेटा बेस और डेटा फ्रेम ताकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो आ जाएं। तो हम लोगों ने बेसिकली ये जितने भी हमारे पास समर्स में, विंटर्स में, और ये टोटल नंबर ऑफ पैटर्न्स थे, इनसे हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास टोटल कितने गोल्ड मेडल्स आ सकते हैं। तो ऐसे ही आप क्या है अलग अलग चीजें जो है यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था दैट विच कंट्री हैज वॉन मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन द समर गेम्स, तो अब मेरा जो टास्क है वो था कि आपको इस कॉलम में आके सिर्फ समर वाले कॉलम्स को देखना है, समर में भी फर्दर आपको देखने हैं गोल्ड मेडल्स, और आपको अब इन चीजों को ऐसे सॉर्ट करना है इस कॉलम को कि आपके पास आ जाए कि इनमें से टॉप मोस्ट लेवल पर कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स अर्न किए हैं। सिमिलरली अगर अब हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए कि मुझे चेक करना है कि समर में एक कंट्री ने गोल्ड मेडल अर्न किया, फिर एक कंट्री ने विंटर में गोल्ड मेडल अर्न किया, मुझे देखना है डिफरेंस किन कंट्रीज में कम है। वो डिफरेंस एक्चुअली मुझे कंसिस्टेंसी बताएगा कि ये कंट्री जो है वो इतने टाइम से बहुत ही कंसिस्टेंट लेवल से बहुत अच्छा प्ले कर रही है। तो बेसिकली जो डेटा था वो मेरे पास एक टाइप का था, लेकिन इस डेटा के थ्रू मुझे क्या क्या चीजें एनालाइज हो सकती हैं, इस चीज को हम बोलते हैं पैटर्न्स। दीज आर द न्यू पैटर्न्स दैट वी कैन रिकोगनाइज फ्रॉम वन टाइप ऑफ डेटा टू जेनरेट सच टाइप ऑफ एनालिटिक्स फ्रॉम दैट। ओके, सो इस चीज को हम लोग अपने आंसर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास एक टाइप का डेटा होगा, लेकिन उन डेटा को हम किस तरह से कंपेयर करते हैं और किस तरह के एनालिसिस वहां से निकालते हैं, दैट इज जनरली डेटा माइनिंग। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द फॉर्मल डेफिनेशन दैट डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वैलिड, नोवल, पोटेंशियली यूजफुल एंड अल्टीमेटली कॉम्प्रिहेंसिबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस में से जो भी मुझे बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, जो बिजनेस जितना ज़्यादा अलग अलग पैरामीटर्स के साथ अपने रिक्वायरमेंट्स को, अपने आउटपुट्स को एनालाइज कर सकता है, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है और अच्छे डिसीजंस ले सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। द मेन रीजन फॉर डेटा माइनिंग इज, मेन रीजन क्या था इसके लिए कि अब हमारे पास क्योंकि सारी चीजें डिजिटाइज्ड हो गई हैं, सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल है, तो इतने लार्ज स्केल ऑफ डेटा को मैनेज करना, अगर हम बोलें कि कोई भी मैनुअली एक्सेल शीट्स के थ्रू भी डेटा माइनिंग होती है, लेकिन दैट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन लेवल, क्योंकि हमारे पास वहां पर इतना ज्यादा स्कोप नहीं होता उस डेटा को के अंदर नए नए पैटर्न्स फाइंड करने का, इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बेसिक लेवल है डेटा माइनिंग का या डेटा एनालिटिक्स का एक्सेल। तो जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी उस पर्टिकुलर डेटाबेस साइज में मैनेज नहीं हो सकती, उसे ह्यूज लेवल पे जब मुझे मैनेज करना है, दैट वाज द मेन रिक्वायरमेंट व्हाई डेटा माइनिंग इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डेटा एक्यूमुलेटेड ईच डे बाई वेरियस बिजनेसेस, साइंटिफिक एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड इज डॉन्टिंग। बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे पास डेटा आता है, उस डेटा को स्टोर करना
और उस डेटा में से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालना, वो भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। जैसे हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में देखा था, जब भी हमें डेटा वेयर हाउस बनाना है, वी हैव टू क्लीन दैट डेटा ऑल्सो। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप ही ने, अगर आप अपनी क्लास की बात करो, आप लोगों ने एक जनरली फॉर्म फिल किया। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने वो फॉर्म गलत फिल किया था, तो वहां पे उनकी एक बोगस एंट्री या एक डुप्लीकेट एंट्री पॉसिबल है। सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ क्लीनिंग दैट डेटा, कि मुझे उस डेटा को क्लियर भी करना है। बिकॉज नहीं तो क्या होगा कि वहां पर मुझे एक ही स्टूडेंट क्या है, दो तरह के ओपिनियंस दे रहा है, और वो ओपिनियन अगर मैं टोटल ओपिनियंस में, टोटल एनालिसिस में काउंट करूं, तो वो क्या है, मेरे एक्चुअल रिजल्ट्स या एक्चुअल एनालिटिक्स पर इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए क्लीनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर। फर्दर एनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, दे क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एनी ह्यूमन कैपेबिलिटीज टू कोप अप विद दैट डेटा एंड टू एनालाइज द डेटा और टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट पैटर्न्स फ्रॉम देयर। देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी और वी इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन टू दैट, सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट सर्टेन फीचर्स। क्योंकि अभी काम तो वही है कि आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है सिर्फ 10 रोज पर, दैट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ एनी ह्यूमन कि वो कर सकता है। लेकिन वही रिपीटेड टास्क अगर मुझे 1 लाख 1,000, 13,000 तक के डेटा पर चाहिए, तो वाई डोंट वी अपॉइंट अ टेक्नोलॉजी, वाई डोंट वी रिप्लेस अ ह्यूमन विद द टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म दैट टास्क अगेन एंड गिव मी द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। तो दैट वॉज द मेन इशू, कि जैसे ही हमारे पास डिजिटाइज हुआ डेटा और कंपनीज ने बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा जो है हमें जनरेट करना स्टार्ट किया, देन वी थॉट दैट वाई डोंट वी रिप्लेस दैट ह्यूमन एफर्ट्स विद द टेक्नोलॉजी, सो दैट वी कैन गेट सम फास्टर एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डेटा माइनिंग। व्हाई डेटा माइनिंग में सबसे मेन चीज यही है दैट वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा टू हैंडल, एंड दैट कैन बी हैंडल्ड बाय एनी टेक्नोलॉजी दैट इज रेफर्ड टू एज डेटा माइनिंग। फर्दर देयर आर सर्टेन बिजनेसेस फ्रॉम वेयर वी कैन एक्चुअली कलेक्ट दैट डेटा। वी हैव डेटा फ्रॉम द वेब, फ्रॉम ई कॉमर्स, फ्रॉम वेरियस ट्रांजेक्शन विच योर बिजनेस इवॉल्व, एंड फ्रॉम द साइंस ऑल्सो। जब भी आप लोग मास्टर्स की तरफ जाते हो, वहाँ पे आप लोगों को रिसर्च करना होता है, तो दैट रिसर्च इज जनरली बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर यूजिंग। एक डेटा है जो सैम्पलिंग क्राइटेरिया है हमारा, वो बहुत मेन इफेक्ट रखता है उस चीज़ पे कि आपने एक्चुअली कौन सी रिसर्च की है। तो दैट कैन बी इन द फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, साइंटिफिक सिमुलेशंस और एनी रिमोट सेंसिंग क्राइटेरिया ऑल्सो। फर्दर हमारे पास जो भी सोसाइटी के रिलेटेड न्यूज़ आती हैं, जो अलग अलग एनालिसिस होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो वाया न्यूज़ हो, या फिर वाया एनी आर्टिकल किसी भी कोई भी पोर्टल है जहाँ पे वोटिंग हो रही है उसके थ्रू हो, जितने भी हमारे पास अलग अलग ओपिनियंस आते हैं उन्हें एनालाइज करना, दैट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग। सेंटिमेंटल एनालिसिस हमने सुना होगा, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत हो रहा है। कोई भी करंट टॉपिक आता है, हम लोग उनके हैशटैग्स उठाकर उनको एनालाइज कर सकते हैं कि इतने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन इज थिंकिंग इन दिस वे। तो उससे क्या है, जब भी आपको एक नया डिसीजन लेना है रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी थिंग, कोई भी आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कुछ भी करना है, तो आप उस एनालिसिस के बेसिस पे उसे इजीली कर सकते हो। द मेन कंसर्न इज दैट हमारे पास डेटा बहुत है, लेकिन उस डेटा को उस फॉर्मेट में लेकर आना और देन टू डिराइव दैट नॉलेज फ्रॉम दैट डेटा, दैट इज वेयर वी आर लैकिंग। हमारे पास बहुत डेटा है, लेकिन उस डेटा में से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, कैसे अलग अलग एल्गोरिदम्स लगाने हैं या कैसे अलग अलग डेटा माइनिंग टेक्निक्स वहां पर लगानी है ताकि हमें उससे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो अब हमारे पास डेटा माइनिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा बेसिस, KDD।
जनरली अब इसी चीज को इलेबोरेट किया है कि आपके पास एक डेटाबेस है, व्हेन यू आर अबाउट टू डिस्कवर एनी नॉलेज फ्रॉम दैट डेटाबेस। सो जनरली हमें करना क्या है? अच्छा, इफ वी सी दिस दैट दिस दिस इज द मेन स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ केडीडी नॉलेज डिस्कवरी। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सम डेटा, जो मैंने आपको बताया कि आपके पास अलग अलग सोर्सेस से डेटा आएगा। आपको डेटा वेयर हाउस के लोडिंग ट्रांसफॉर्म एक्सट्रैक्शन लोडिंग एंड ट्रांसफॉर्म के जो तीन हमारे प्रोसेसेस हैं उनके थ्रू डेटा को क्लीन करना या प्रोसेस करने के बाद आप उसे डेटा वेयर हाउसेज में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद यू हैव टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज इंफॉर्मेशन और ओनली दोज टाइप ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच आर रेलिवेंट टू योर रिक्वायर्ड थिंग्स। अब जैसे हम लोगों ने इन क्वेश्चन में बात की थी कि हमने बताया था कि हमें सिर्फ समर का गोल्ड का डेटा और देन विंटर का गोल्ड का डेटा चाहिए। इनमें से डिफरेंस के थ्रू हमें कुछ एनालिसिस करना है। देन द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स, जो भी बाकी के कॉलम्स हैं वो मेरे कंसर्न में नहीं है। टू एलिमिनेट दीज कॉलम्स, एक्चुअल डेटाबेस में से एलिमिनेट नहीं करते, हम लोगों के पास जो भी एक फ्रेम होता है, जो भी इस चीज की कॉपी होगी, वहां पे हम लोग इसे क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ताकि मेरा नेक्स्ट जो भी मुझे फॉर्मूला लगाना है उसका स्कोप जो है वो कम हो जाए। कहाँ पर उसे ट्रैवर्स करना पड़ रहा था इन 13 कॉलम्स पर, उसी चीज को मैंने कम करके 5 कॉलम्स कर दिया, बिकॉज माई एनालिसिस इज जस्ट कंसर्न विद दिस थिंग। तो दैट इज टास्क रेलिवेंट डेटा। मुझे अब उस पूरे डेटा वेयर हाउस में से, उस पूरे डेटाबेस में से सिर्फ मेरे टास्क के रेलिवेंट जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करना है। फीचर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं इसको। देन उसके बाद जो मेरे पास रिक्वायर्ड कॉलम्स आ जाएंगे, फिर हम उस पे करेंगे डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग हो सकती है जो हमारे पास एक्चुअल एंड में रिजल्ट्स आए थे, दैट दीज आर द टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन देयर गोल्ड मेडल्स। जिनका भी मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस आ रहा है वो टॉप 10 कंट्रीज मेरे पास वो ये रही। अब एक है कि मेरे पास 10 रोज का एक 10 रोज का एक टेबल है जिसमें अलग अलग कंट्रीज के नाम है और उनकी नंबर ऑफ जो है मेडल्स जो है वो लिखे हुए हैं। दूसरी चीज है कि मेरे पास उसी चीज के कंपैरेटिव इक्वल एक ग्राफ है जहां पर वो सारी चीजें जो है मुझे डिस्प्लेड हैं। तो उसे हम बोलते हैं कि पैटर्न्स इवेलुएट करना। अगर उसी चीज को आप ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली जो है शो कर पाओ, एनालिसिस कर पाओ उस चीज का, ताकि अब मुझे पता चले, विजुअलाइजेशन कर पाओ उस चीज की। सो दैट इज द अनदर पार्ट टू ड्राइव द नॉलेज एक्चुअली। अगर आपके पास, क्योंकि हम लोग हैं, हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं, हम लोग शायद डेटाबेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, हमें वो चीज समझ में आ जाए, बट फॉर एनी अदर पर्सन, फॉर द हायर अथॉरिटीज इन द कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए जरूरी है कि उन्हें एक ग्राफ दिया जाए, उन्हें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, जिससे कि उसे क्लियर हो जाए दैट दिस पर्टिकुलर कंट्री इज बाय 10% एट द हायर ग्रोथ इन द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो उनके पास कुछ ऐसे एनालिसिस होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, जस्ट विद द परसेंटेजेस और यूजिंग द पाई चार्ट्स, या फिर किसी भी विजुअलाइजेशन टूल के थ्रू। वहां से जो नॉलेज हमें डिराइव होती है, तो बेसिकली सब डेटाबेस से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपको कैसे उससे क्लीन करना है ताकि आप लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को भी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम में, या फिर जितना भी हमारे पास अवेलेबल डेटा है, उसे बहुत फास्ट प्रोसेसिंग के साथ और हायर रिस्पॉन्स टाइम के साथ सॉल्व करके जो नए नए पैटर्न्स है वहां से इवेलुएट कर सको, नई नई डिस्कशंस जो है वो वहां से इवेलुएट कर सको। ओके, आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट?
ऑल राइट right. तो अब कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जहां पर भी हम लोग क्या है इस डेटा माइनिंग की टेक्निक को यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और कौन कौन से उनके एप्लीकेशंस हैं फर्दर जहां पे वो इन चीजों को यूज करेंगे. डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन सपोर्ट इज द मेन वन दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मार्केट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट. जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके डेटा को एनालाइज करना इन द डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स एंड मैनेजमेंट, इन टारगेट मार्केटिंग, इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेस्ड ऑन फीडबैक्स, मार्केट बास्केट एनालिसिस की एक दो कंपनीज हैं जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, अगर आपके पास उनका डेटा है, फर्दर आपके पास आपका डेटा है, आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो दैट वेयर यू आर लैकिंग और बाय हाउ मच परसेंट एक्चुअली यू आर लैकिंग, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर थिंग्स टू मैच अप टू दैट. मार्केट सेगमेंटेशन यहाँ पर आ जाता है कि आप अपने कस्टमर रिव्यूज जो हैं वो देख सकते हैं, आप सोशल नेटवर्क्स पे देख सकते हैं कि आपके कस्टमर्स एक्चुअली कौन सी चीज़ चाहते हैं, व्हाट आर देयर फीडबैक्स, व्हाट आर दे डिस्कसिंग अबाउट, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशंस होगी अगर हम उस चीज़ को फुलफिल करने के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना सकें, सो दैट कैन दैट हैव मोर चांसेस टू गेट सोल्ड आउट देन द प्रीवियस वन. देन देयर वुड बी रिस्क एनालिसिस. आपने जो भी पुराने डिसीजन लिए थे या अब डिसीजन लिए हैं वहां पर आने वाले टाइम में कौन कौन से रिस्क जो है वो चीज फेस कर सकती है. रिस्क किस टर्म में आता है कि दैट कैन बी इन वन टर्म कि आपने पहले एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जिसकी जो है कैपेसिटी है दैट इज टू क्रिएट 1,000 ऑफ सच प्रोडक्ट्स इन वन डे. अब क्योंकि आप लोग अपनी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करना चाहते हो, तो अगर आप उतने ही यूनिट्स के साथ, उतने ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ उसे इंक्रीज करते हो, देन वी कैन एनालाइज द रिस्क इन दैट कि हो सकता है वो करने के बाद आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो जाए. अगर आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी है बिकॉज दैट इज वन टाइप ऑफ रिस्क, तो आप लोगों को क्या है उसमें थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना होगा और उस चीज की क्वालिटी को आप लोग मेंटेन कर पाओगे. सो व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन वी कैन टेक व्हाइल एनालाइजिंग दोज रिस्क दैट आर देयर. समटाइम्स देयर कैन बी रिस्क इन द टर्म्स ऑफ कंपटीशन आल्सो कि आप आपके ऑल्टरनेट जो एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस दे आर टेकिंग, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दे हैव अनाउंस्ड ऑलरेडी, सो दैट वी कैन कम्पीट एंड वी कैन प्रोवाइड देम अ सिमिलर प्रोडक्ट दैट दे आर एक्चुअली अनाउंसिंग, ताकि हम वहां पर अपना कंपटीशन जो है वो मेंटेन कर सकें. फ्रॉड डिटेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ अनयूजुअल पैटर्न्स आल्सो. कभी कभी क्या होता है डेटा माइनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, दिस इज क्वाइट रिसर्च बेस्ड, कि आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करना होता है. तो जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास होता है दैट कुछ क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज होते हैं, लाइक लो, मीडियम, हाई कैन बी वन, ट्रू और फॉल्स कैन बी वन, दिस टाइप ऑफ. सो एनी पैटर्न विच इज एग्जिस्टिंग बियॉन्ड दैट थिंग, एनी अनयूजुअल पैटर्न दैट इज गोइंग टू बी डिटेक्टेड, दैट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग डेटा माइनिंग. ओके, एज इन ऑलरेडी डिस्कस्ड के टेक्स्ट माइनिंग हो सकती है, वेब माइनिंग हो सकती है, दीज ऑल आर गोइंग टू बी डन वाया द वर्ल्ड वाइड वेब और योर सोशल नेटवर्क्स, स्ट्रीम डेटा माइनिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायो डेटा एनालिटिक्स. आपके जो भी डेटा है आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स से मिलता है, दैट इज कि एक हॉस्पिटल है वहाँ पर जो हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते थे एक ही टाइप के डिजीज के लिए, तो उनके क्या सिम्टम्स थे और इन सिम्टम्स के कंपेरेटिवली उनको कौन सी मेडिकेशन दी गई, उन दोनों सिम्टम और मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन से कौन कौन से पेशेंट्स कैसे ठीक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों का हमारे पास एक डेटाबेस है. और यूजिंग दैट डेटाबेस कैन वी गेस दैट व्हेन वी रिसीव एनी अनदर पेशेंट विद सम डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स देन व्हाट सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन कैन वी गिव टू देम. सो इस तरह के एनालिसिस या डेटा प्रेडिक्शंस जो हैं वो भी डेटा माइनिंग के थ्रू होती हैं. तो जनरली क्या किया जाता है कि आपके पास कुछ मेडिकेशंस हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो कि अगर हम बताएं कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स थे जिनके कुछ ऐसे
सिम्टम्स थे, उन्होंने सिम्टम ए बी और सी बताए, उनको एक मेडिकेशन एक्स दी गई। उसके बाद एक और पेशेंट आया जिसमें वो सिम्टम्स ए नहीं थे, बी सी एंड सम अनदर सिम्टम डी थे, उनके लिए एक एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन जो था वो दिया गया। एंड देन वी हैव नोटेड कि वो पेशेंट कितने ड्यूरेशन के बाद जो है आपका रिकवर कर गया था। तो बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ एनालिसिस, अगर आपके पास भी ऐसा डेटा हो 10-15 लोगों का, तो आप देख सकते हो कि इसके साथ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। इसका मतलब हमें अपने पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा ऐसी जो मेडिकेशंस है वो देनी चाहिए टू गेट बेटर रिजल्ट्स। सिमिलरली अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है कुछ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स का, तो आप उन पर डेटा एनालिसिस टेक्निक्स या डेटा माइनिंग टेक्निक्स लगाओगे ताकि वो आपको फ्यूचर प्रडिक्शन या फिर आपको एक नया प्रडिक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी अनदर पैटर्न विच इज नॉट रिकोगनाइज येट, कोई ऐसा पैटर्न जो कि ए डी एफ या जेड सिंबल्स के थ्रू आता है वो अभी तक किसी ने रिकोगनाइज नहीं हुआ, लेकिन हमारा डेटा हमारी मशीन उस चीज को रिकोगनाइज करेगी कि ऐसे पेशेंट्स के लिए कौन सी चीज जो है वो एप्लीकेबल रहेगी, कौन से ड्रग्स जो है वो यूजफुल रहेंगे। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च ऑल्सो कि आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डेटा माइनिंग के थ्रू आप नए नए कॉम्बिनेशंस या नए नए मेडिकेशंस कैसे हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। देन योर मार्केट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, दैट व्हेन एवर वी हैव एनी क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, वी हैव सर्टेन डिस्काउंट कूपन्स, वी हैव कस्टमर्स फीडबैक इन फॉर्म ऑफ फीडबैक और कंप्लेंट कॉल्स, इनके थ्रू हमारे पास बहुत सारा डेटा आता है। तो उस डेटा को क्लासिफाई करना कि हमारे मोस्ट ऑफ कस्टमर्स को किस टर्म्स में कंप्लेंट्स आ रही हैं, जिस भी मॉड्यूल में उनको कंप्लेंट आ रही है, फिर हम उसी मॉड्यूल को चेंज करेंगे या बेटर करेंगे, अपडेट करेंगे। अगर आपके पास कोई डिस्काउंट कूपन्स हैं, तो मेरे पास 3 तरह के डिस्काउंट कूपन्स थे जो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी कंपनी ने रिलीज किए। तो इस कूपन के लिए, एक कूपन वन के लिए हमारे पास इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स आए, कूपन टू के लिए इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स आए और कूपन थ्री के लिए इतने आए। तो वहां से एनालाइज हो जाएगा कि हमारा कस्टमर जो है वो एक्चुअली कैसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, सो दैट वी कैन फोकस ऑन द मार्केटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली। सो हाउ टू टारगेट मार्केटिंग इज द सेम थिंग दैट यू हैव टू क्रिएट द मॉडल्स ऑफ दोज थिंग्स, कि आपके कस्टमर्स हैं, आपने ऐसी टेक्निक्स फॉलो की, वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल, वी हैव टू मेक क्लस्टर्स कि कौन सा क्लस्टर ज़्यादा रिस्पॉन्सेज को जो है मेनटेन कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे हम अपनी नई जो टेक्निक है, नई स्ट्रेटेजी है, उसे फॉलो कर सकते हैं। क्रॉस मार्केट एनालिसिस, कि आपको अगर देखना है दैट व्हाट आर द प्रोडक्ट सेल्स ऑफ योर कंपनी एंड इन एसोसिएशन विद योर द सिमिलर एनी अदर कंपनी विच इज मेकिंग द सिमिलर प्रोडक्ट और सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। कस्टमर प्रोफाइलिंग, दैट आपके जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो भी ऐसे होता है कि कभी हम उन्हें एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, कभी रीजन के अकॉर्डिंग, कभी उनके प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग क्लस्टर्स में। क्लस्टर्स मीन्स ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में वो कंबाइन हो जाएंगे और फिर हम देख सकते हैं कि अगर मेरा ये ग्रुप जो है वो सिर्फ इसी टाइप के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, देन व्हाई एम आई शोइंग देम दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जैसे आपके यूजुअली शॉपिंग वेबसाइट्स जो हैं वहाँ पर होता है, अगर हम अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जाते हैं तो बेस्ड ऑन आर प्रीवियस सर्च, जो भी आपने पहले सर्च किया है उसी के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाया जाएगा। और अगर आप एक न्यू यूज़र हो तो आपने किसी ना किसी क्रेडेंशियल के थ्रू वहाँ पर लॉग इन किया है, सपोज वो आपकी जीमेल आईडी है, वो ही जीमेल आईडी आप अपने फेसबुक पर भी यूज़ करते हो, तो फेसबुक पे क्या आपके सर्च इंटरेस्ट हैं, क्या चीज़ें आपने कौन कौन से पेजेस लाइक किए हुए हैं, या फिर फर्दर जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं वो कैसी चीज़ें जो है बाय करना पसंद करते हैं इफ़ दे हैव ऑलरेडी विजिटेड अमेजन, तो उसके बेसिस पे वो आपको नए नए सजेशंस और नई नई चीज़ें दिखाता है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डेटा माइनिंग, कि थाउजेंड्स और करोड़ ऑफ पीपल में आपका इंटरेस्ट कौन सा होगा, दैट वन हैज टू फाइंड, और उसे फाइंड करके वो आपको सिर्फ वैसे के वैसे सजेशंस दिखाएगा। दिस इज अ डेटा माइनिंग टेक्निक।
इंटरनेट, वेब सर्फेट। तो आपके पास जितनी भी वेब मार्केटिंग आती है या आपके पास www पे जितना भी डेटा अवेलेबल है, एक्सेस लॉग्स हैं, उन चीज़ों को एनालाइज करना, जितने भी ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, जितने भी नए आर्टिकल्स आ रहे हैं, जितनी भी वेबसाइट्स पर ज़्यादा पिंग हो रहा है, तो उनके बेसिस पे कुछ नए एनालिसिस करना। ओके, दिस वन इज ऑलरेडी डन, दैट व्हाट इज द प्रोसेस फॉर KDD, दिस वन। मैम हाँ जी, मैम, जब हम डाटा स्टोर कर रहे हैं ऐसा, या डाटा माइनिंग में हमारा ऐसा एनालिसिस हो रही है, तो वो डाटा जब स्टोर हो रहा है, तो जब हम एज अ डेवलपर यूजर हम उसको देख रहे हैं, तो हमारे को कैसे एक्सेस हो रहा है? हमारे को बता तो रहे हैं सारे वो एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं, वो हमारे को जी सारा कुछ बता रहे हैं कि कहाँ पर हम बिड करें, कहाँ पर हम प्रॉफिटेबल होगा, बट हमारे को व्यू व्यूबल कैसे है, मैं ये पूछ रहा हूँ। एज अ कस्टमर पूछ रहे हो आप? नहीं, एज अ डेवलपर यूजर, एज अ ओनर, एज अ ओनर ऑफ अ यूनिट। हाँ, एज एन ओनर। एज एन ओनर पे क्या होता है कि जो मेनली हम मानते हैं जो ओनर है, दैट जनरली डू नॉट हैव एनी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस और एनी टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस। फर्दर उसने अपने अंडर जो है कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स या प्रोग्रामर्स रखे हुए होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड में। जैसे सपोज डेटा माइनिंग में या R&D डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एक्सपर्ट है, तो वो R&D वाला जो पर्सन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट कैन ओनली एनालाइज द थिंग्स कि उसके डेटाबेस में कैसी चीजें आ रही हैं। दैट विल जेनरेट अ रिपोर्ट, द रिपोर्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। जो उन सारे पैटर्न में से एक नॉलेज मिल गई है, वो नॉलेज वो देगा अपने मैनेजर को एंड देन फर्दर टू द ओनर ऑफ दैट कंपनी, ताकि वो देख सके कि ये एक्चुअल पैटर्न ये है। सिर्फ उस पैटर्न को देख के वो डिसाइड करता है। जो वहां से नया रिसर्च निकालना है, नया पैटर्न इवॉल्व करना है, दैट इज द कंसर्न ऑफ द डेवलपर ओनली। ऑलराइट, यस, क्योंकि एक डेवलपर जो है वो कभी भी ये नहीं सोच सकता कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इनके लिए बेनिफिशियल होगी। वो चीज़ क्या है, वो एक MBA कंसर्न पर्सन जो है वही सोच सकता है, जिसने कि मार्केट एनालिटिक्स का या फिर इन चीज़ों के बारे में जिसे ज़्यादा पता है। तो व्हाट आर द प्रोसेसेस टू एक्सट्रैक्ट सच टाइप ऑफ नॉलेज? तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डोमेन। डोमेन का मतलब है कि एक प्रोग्रामर है, एक प्रोग्रामर एक कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में जाता है। वहां पर जाके पहले उसे इस पूरे कंपनी का जो फ्लो है, जो भी फ्लो है, डेटाबेस फ्लो या फिर उनका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो समझना होगा कि इस कंपनी में इस तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन को इस डेटाबेस में इस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। दैट पर्सन हैज टू गेट द नॉलेज ऑफ दैट थिंग। यही चीज होती है आप जब भी एक प्रोजेक्ट बनाते हो नया, अपार्ट फ्रॉम द रिसर्च थिंग, कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, आप लोग हो IT कंसर्न पर्सन, लेकिन आपको बोला जाता है कि एक होटल मैनेजमेंट का सिस्टम बना दो, द वेरी बेसिक वन। तो पहले आप उनसे पूछोगे कि हमें बताइए कि आपके इस होटल में काम कैसे होता है। ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने काफी वेबसाइट्स चलाई हैं जहाँ पर आप क्या है ऑनलाइन होटल में जाके कोई ना कोई रूम बुक करवा देते हो। तो एक फोटो होनी चाहिए वहाँ पे उसके, कुछ इंफॉर्मेशन के, ये आपको यहाँ पे ये फैसिलिटीज मिलेंगी और ये इसका प्राइस है, दैट्स इट। लेकिन एज अ प्रोडक्ट डेवलपर या फिर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका मैनेजर जो है वो किस टाइप के पीपल के साथ कॉन्टैक्ट करता है, उसके बाद आपकी हायरार्की क्या फॉलो हो रही है, ताकि मैं अपने डेटाबेस में या अपने फॉर्म्स में अलग अलग तरह के फॉर्म्स और व्यूज बनेंगे, उनमें ऐसी कनेक्टिविटी बनाऊं कि जैसे एक नए कस्टमर ने एक रूम के लिए रिक्वेस्ट किया, तब आपको क्या है वो डेटा आपके मैनेजर को या फिर आपके किस यूनिट को जाना चाहिए। जैसे ही वो उनके पास जाता है, क्या उनके पास अथॉरिटी है कि वो डायरेक्टली उस रूम को अलॉट कर दें या फिर वो फर्दर किसी और के पास किसी चेकिंग के लिए जाना चाहिए। तो कैसा फ्लो हमें फॉलो करना है, उसी उसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने से पहले होटल में एक्चुअली फ्लो चल कैसे रहा है, फिर ही उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द डेटा एनालिसिस पार्ट,
अब आपके पास आपको पता है कि जैसे हम लोगों ने वो सारा इन्फॉर्मेशन लिया था ओलंपिक्स का इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। अब मुझे किसी ने बोला द क्वेश्चन इज जस्ट टू एनालाइज द टॉप 10 स्टेट्स, तो वहां से मुझे अब अपना टारगेट डेटा सेट ढूंढना है। पहले पहली बार तो मुझे देखने के लिए ये भी नहीं पता चलेगा व्हाट इज दिस हैश समर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज टोटल एंड देन गोल्ड 0.1 सिल्वर 0.1, व्हाट इज दिस। इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर दिया जाएगा कि दिस इज द फॉर्म ऑफ डेटा दैट यू आर रीडिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन। उसके बाद आपका कंसर्न है इस चीज पर। अब जब मुझे पता है कि समर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज टोटल का मतलब है समर के टाइम पर ये सारे मेडल्स, विंटर के टाइम पर ये सारे मेडल्स, और ये टोटल मेडल्स हैं विंटर प्लस समर के, एंड देन योर कंबाइंड टोटल इज गिवन देयर। तो जब हमारे पास ऐसी चीजों का एनालिसिस आ जाएगा फिर हमें पता होगा कि मुझे मेरा डेटा सेट कौन सा उठाना है। डेटा सेट उठाने से मतलब कि आपको कौन से कॉलम्स जो है रिमूव करने हैं और कौन से जो है वो इनटेक करने हैं। देन डेटा क्लीनिंग, अब मेरे पास कॉलम्स हैं रिक्वायर्ड लेकिन मुझे एक बार सारे डेटा को देखना भी होगा कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जहाँ पर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो। गलत इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है कि हो सकता है आपके पास इंडिया के जैसे दो कंट्रीज हैं उनकी दो एंट्रीज अवेलेबल हैं, दो एंट्रीज किसी भी मैनुअल ह्यूमन एरर की वजह से हो सकती हैं, किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से हो सकती हैं। यूजुअली जब हम यहाँ पर पाइथन पे काम करते हैं तो जैसे भी हमारे पास इस टाइप की एंट्रीज में एरर्स आते हैं उन्हें NaN एरर जो है NaN वैल्यूज से रिप्लेस कर दिया जाता है। तब उन NaN वैल्यूज को डिटेक्ट करना और उन वाली एंट्रीज को रिमूव करना, टेबल में से ड्रॉप कर देना, दैट इज वन ऑफ योर क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग पार्ट। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन एनी ऑफ द रिसर्च। जो भी रिसर्च आप करते हो उसमें ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपका डेटा ही सही तरीके से प्रोसेस्ड नहीं है तो उससे जो इंफॉर्मेशन एनालाइज होगी वो भी टोटली रॉन्ग होगी। देन डेटा रिडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको अगर कुछ भी ऐसा करना है कि आपका जो कंसर्न है आप उसकी डायमेंशंस को, अगर मेरे पास 2D डेटा है या पहले 3D फॉर्म में डेटा था, अगर आप उसकी डायमेंशंस को चेंज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, या फिर उसी डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो किसी और शेप में। जैसे अगर आपके पास एक बार डेटा था एरे ए फॉर्म में, आपको उसका ट्रांसपोज लेना है, दैट विल बी अ वन फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चूजिंग फंक्शंस ऑफ डेटा माइनिंग, फिर आपको एक्चुअली डेटा माइनिंग में से कौन सी चीज जो है अप्लाई करनी है। वेदर यू वॉन्ट टू समराइज दिस, यू जस्ट वॉन्ट टू एनालाइज और गेट द टॉप 10, वेदर यू वॉन्ट टू क्लासीफाई, या फिर हो सकता है हम लोगों ने रेंज बना दी कि एक कंट्री है जो कि 50 to 60 मेडल्स की रेंज में आती है, एक 40 to 30 की रेंज में आती है, एक 10 to 20 की रेंज में आती है, दिस इज क्लासिफिकेशन। तो अब मुझे ऐसा एनालिसिस चाहिए कि 40 to 50 की रेंज में कौन सी कंट्रीज जो है वो आती हैं, लिस्ट ऑफ दोज कंट्रीज, दैट इज सर्टेन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बिना हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग्स होती हैं, रिग्रेशन अप्लाई होता है, एसोसिएशन हो सकता है, दैट इज अ सर्टेन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन कंपैरिजंस, क्लस्टरिंग हो सकती है कि आपके पास एक टाइप का डेटा आया, आपने अज्यूम किया कि दिस इज वन ग्रुप, उसके बाद जैसे आपको उसका सिमिलर पैटर्न कहीं पर मिलता है आप उसे उस ग्रुप में इंक्लूड कर लेते हो और वैसे वो क्लस्टर जो है बड़ा होता जाता है और आपके पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स बन जाते हैं। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में डिफरेंस ये आता है, क्लासिफिकेशन में आपके पास पहले से पता होता है कि लेबल्स कौन से हैं, 50 to 60 की रेंज, 40 to 30 की रेंज, 10 to 20 की रेंज, यू ऑलरेडी नो द लेबल्स। क्लस्टरिंग में जो आपके लेबल्स हैं वो आपका सिस्टम जनरेट करता है बेस्ड ऑन द रिकोगनाइज पैटर्न्स। देन यू हैव टू चूज अ सर्टेन माइनिंग एल्गोरिदम, जो भी एल्गोरिदम्स आगे यूज होती हैं, ये माइनिंग एल्गोरिदम्स जो है वो जनरली जब हम इसे किसी और चीज के साथ एम्बेड करते हैं, जैसे मशीन लर्निंग के साथ एम्बेड कर दिया या किसी और चीज के साथ, तब हमारे कंसर्न में आती है कि हमें कौन सी एल्गोरिदम जो है वो यूज करनी है। देन वी हैव टू सर्च फॉर द पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट, देन वी हैव टू अगेन चेक दोज थिंग्स दैट व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ आर इंटरेस्ट। मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया जिससे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो वैसे आ गई, इन व्हाट वे आई वॉन्ट टू सॉर्ट देम और इन व्हाट वे आई वॉन्ट टू ग्रुप देम। Then you have to evaluate the patterns. Then you have to plot it actually on the graph or visualize it.
सो दैट एनी अनदर पर्सन विच इज नॉट फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, विच इज नॉट फ्रॉम दैट आईटी डिपार्टमेंट, विच डू नॉट अंडरस्टैंड दोज नंबर्स, कैन इजिली विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट बाय हाउ मच परसेंटेज और बाय हाउ मच रेशियो डज दिस प्रोडक्ट ए इज लैकिंग और इज शोइंग प्रॉफिट्स देन प्रोडक्ट बी सिंपली. और ये जो स्टेप्स हमने लिखे हैं दीज आर नॉट द डिफाइंड स्टेप्स बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम. कुछ स्टेप हैं जो यहाँ से स्किप हो सकते हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो नए ऐड हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपके जैसे क्लीनिंग प्रोसेस है, क्लीनिंग आपके पास दो बार भी आ सकता है. सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो टॉपिक है रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक है, क्योंकि हर बार हर एक कंसर्न पर्सन जो नई रिसर्च करेगा, हो सकता है उसने किस फ्लो के साथ इसे सोचा है, वैसे वो इनके जो प्रोसेस के स्टेप्स हैं उनमें कुछ भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकता है. द जनरल फ्लो रिमेन्स द सेम. एंड द नेक्स्ट वन इज द बेसिक data mining system, the architecture of data mining system. It looks like that I have a database, then using a certain techniques I have converted the database into warehouse servers, and then we have some data mining engines which can actually evaluate certain patterns, and by any visualization or GUI they will show to the end user that what are the end results from that. एंड देन वी हैव अ नॉलेज बेस. अगर हम अपने उन्हीं रिजल्ट को कहीं ना कहीं सेव कर सकें तो दैट विल बी आर नॉलेज बेस एट वन टाइम फॉर द फाइनल रिपोर्ट्स. ओके, वट आर द फंक्शनैलिटीज ऑफ डेटा माइनिंग नाउ दैट इफ यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब एनी कॉन्सेप्ट, समराइज करना है, उसके लिए एसोसिएशन करना है कि आपके पास प्रोडक्ट वन है, प्रोडक्ट टू है, तो इनमें किसी भी फॉर्म में अगर आपको इन चीज़ों को कंपेयर करना है, जो हमने एग्जांपल लिया था कि आपका एक प्रोडक्ट वन है उसकी सेल्स ज़्यादा है, टू की कम है, तो किसमें कितना इन्वेस्ट हो रहा है और उसके बाद उसकी सेल कितनी है, दोनों चीज़ों को कंपेयर करना, कोरिलेट करना, एसोसिएट करना. क्लासिफिकेशन एंड प्रडिक्शन में यूज़ हो सकता है. दैट इज़ सिंपली कि आपको अलग अलग लेबल्स में ग्रुपिंग करनी है, या फिर एक बार आपने ग्रुप्स बना लिए, नेक्स्ट टाइम यू हैव अ न्यू टाइप ऑफ डेटा एंड देन यू हैव टू प्रेडिक्ट दैट दिस डेटा बिलोंग्स टू विच ऑफ द क्लासिफाइड ग्रुप्स. सो प्रेडिक्शन इज वन स्टेप बियॉन्ड दैट क्लासिफिकेशन थिंग. देन योर क्लस्टर एनालिसिस clearly where the class labels are unknown and end result is again the group of elements that you are discussing. Your outlier analysis, ये वही चीज़ है कि अगर मेरे पास जो हमने medication में discuss किया था कि आपके पास कुछ medications के respectively कुछ symptoms के respective कुछ medications आती हैं और उनके जो है recovery times आते हैं. अब आपके पास कुछ 1000 और 2000 डेटा के बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं विच आर नॉट मैचिंग विद एनी ऑफ द अबव सिम्टम्स, तो आपको अपने जो प्रीवियस 1000-2000 रिजल्ट्स हैं उनमें से एनालाइज करना है कि हमें नए जो सिम्टम्स मिले हैं उनके लिए कौन सी मेडिकेशन अच्छी होगी, बिकॉज दैट डिफरेंट थिंग इज योर आउटलायर, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दैट 2000 डेटा एंड नाउ यू वॉन्ट टू एनालाइज दैट थिंग. Similarly, fraud detection can be done that if usually I recognize something is there in the network which is not recognized before. So that may be a type of intrusion that I can detect somehow. Trends and evolution analysis. Whenever we get a new trend that may be on the social media or maybe in your recent discussions, then we can analyze that based on this trend, what sort of actions a company can take. Further, we have some of the confluence of multi-disciplines along with data mining, that data mining can be used with the database systems to simply analyze the data, to summarize the data. Further, it can be used with the statistics
देन विद द विजुअलाइजेशन विद एल्गोरिदम्स एंड मोस्टली द करंट रिसर्च एरिया विच इज मशीन लर्निंग. दिस इज गोइंग टू बी हाईली यूज इन मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू गेट फ्यूचर प्रेडिक्शंस ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ डेटाबेसेस. सो दैट इज इट विद द डेटा माइनिंग. ईआरपी के कंसर्न में हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि एक आपके सिस्टम के लिए डेटा माइनिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी है जो कि काफ़ी सालों से बहुत सारा डेटा जो है वो लोगों से रिकवर करती आ रही है, तो अब हमें उस डेटा को इस तरीके से एनालाइज करना है ताकि हम नए नए पैटर्न्स को वहाँ से इवेल्यूएट कर सकें, उन चीज़ों को देख सकें कि इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमें ऐसे कुछ नए डिसीजंस लेने चाहिए विच कैन बी हेल्पफुल फॉर आर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फर्दर. ओके हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बताइए. दैट इज इट फॉर टुडे. ओके सो अभी आप लोग यहीं पर रहिएगा, आई विल टेक योर अटेंडेंस. सो दैट इज इट.